Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम लोग देख रहे भगवद गीता का अध्याय 10वां श्लोक संख्या 15, 16 और 17। तो 15 से हम लोग शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। स्वयं एवात्मनात्मानं वित्था त्वं पुरुषोत्तम भूत भावान भूतेश देव देव जगतपते। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। इंडीड यू अलोन नो योरसेल्फ बाय योर ओन इंटरनल पोटेंसी ओ सुप्रीम पर्सन ओरिजिन ऑफ ऑल लॉर्ड ऑफ ऑल बीइंग्स गॉड ऑफ गॉड्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो यहाँ पे कृष्णा को अर्जुन बोल रहे कि आप भगवान जो है कि आप खुद को सिर्फ आप ही जान सकते हैं। और फिर उनको उन्होंने क्या बोला कि आपकी जो जो माया है आपकी जो जो पोटेंसी है वो खुद आप ही जान सकते हैं। तो उसमें बोला ओ सुप्रीम पर्सन करके बोला, फिर ओरिजिन ऑफ ऑल बोला, फिर लॉर्ड ऑफ ऑल बीइंग्स बोला, फिर गॉड ऑफ गॉड्स बोला, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स बोला। तो हम लोग मतलब जब मैं इंग्लिश मीडियम में था मतलब मेरे स्कूल के टाइम पे एक फिगर्स ऑफ स्पीच नाम का एक ग्रामर में एक सब्जेक्ट हुआ करता था। तो फिगर ऑफ स्पीच में क्लाइमैक्स नाम का एक चीज था, क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स में होता क्या था कि एक चीज को बोलते हैं फिर बाद में उसको बढ़ा के और एक चीज बोलते हैं, उसको और बढ़ाते और बढ़ाते और बढ़ाते ऐसे करके उसको जाते। तो वो जो सुनने वाला रहता है उसकी उत्कंठा बढ़ती जाती है और कह के। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो अर्जुन ने एग्जैक्टली उसी तरह बोला। एक पहले तो ओ सुप्रीम पर्सन करके बोला, ठीक है। तो सुप्रीम पर्सन मतलब ओके सुप्रीम है, लेकिन बाद में उसके ऊपर उन्होंने बोला ओरिजिन ऑफ ऑल। तो मतलब सुप्रीम तो है लेकिन ओरिजिन ऑफ है, सभी के वो स्रोत है। फिर बाद में लॉर्ड ऑफ ऑल बींग्स, तो मतलब अभी बोला क्या कि ये सभी के जो भी दुनिया में जो भी ब्रह्मांड में दिख रहे हैं उनके वो लॉर्ड है, ठीक है। ये तीसरा और पावरफुल। फिर गॉड ऑफ गॉड्स बोला, जो डेमी गॉड्स है उनसे भी बड़े, मतलब और मतलब ये लिविंग बींग से तो बड़े हैं लेकिन गॉड ऑफ गॉड्स है जो उसके। और फिर और तो बोला कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो फाइनली उन्होंने बोला कि यू आर द लॉर्ड ऑफ सुप्रीम यूनिवर्स, मतलब वहां पे अल्टीमेट स्टैंपिंग हो गया। रागिणी माता जी आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या माता जी? सॉरी प्रभु, एक्चुअली आप अभी भी मुझे आपका कैमरा नहीं दिख रहा, मतलब मुझे लगा सिर्फ मेरा ही नहीं दिख रहा है, इसके लिए आप मतलब आपका पिक्चर नहीं दिख रहा है प्रभु। अभी अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। हाँ, अपने कैमरा इनकमिंग वीडियो को ऑन किया है क्या? हाँ किया तो है प्रभु, तो मैं देखती हूँ प्रभु। ओके सॉरी प्रभु। हरे कृष्णा। तो फाइनली उन्होंने बोल दिया कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स करके, मतलब वहां पे स्टैंपिंग हो गया कि यू आर द सुप्रीम। तो प्रभुपाद जी ने पर्पट में दिया है उसको हम लोग थोड़ा स्टडी करते हैं कि कैसे होता है कि यहाँ पे प्रभुपाद जो पर्पट में बोलते हैं कि जो भक्त है ना वो ही भगवान को जान सकते हैं। मतलब कृष्ण तो है जो इंटरनल पोटेंसी की वजह से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं 12 महाजन जो है जो प्योर भक्त है, और अर्जुन जैसे भक्त है, प्रहलाद महाराज जैसे भक्त है, वो जो है वो ही भगवान को पूरी तरह से जान सकते हैं। क्योंकि
वो क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद क्लियरली बोलते हैं कि बिकॉज गॉड्स ग्रेस, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि भगवान की अपने पे जो प्यार है, भगवान की अपने पे जो कॉजलेस मर्सी है, उसके वजह से हम लोग भगवान को जान सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज को देख सकते हैं कि जहां पे डेमोनिक पर्सन से प्रभुपाद बोले वो भगवान को कभी नहीं जान सकते, तो इस चीज और भक्त जानते हैं, तो क्योंकि ये दोनों का इच्छा है, जो भक्ति की इच्छा है भगवान को पूरी तरह से जानना, और जो डेमन की इच्छा है उनको भगवान से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो भगवान को जानने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते करके जो श्लोक है, वो श्लोक यहाँ पे एग्जैक्टली बोलते हैं ना, वो प्रॉपरली यहाँ पे मतलब वो जो श्लोक को प्रॉपरली यहाँ पे यूटिलाइज किया, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये श्लोक यहाँ पे एग्जैक्टली होता है कि जो भगवान को जिस भाव से सरेंडर होता है, भगवान उसी भाव में उनको ये करते हैं, मतलब क्या करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, या फिर भगवान उसी भाव में उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि सुदामा जो थे, सुदामा भगवान को भगवान के परम मित्र जैसे थे, और भगवान पे हम लोग को स्टोरी तो पता रहेगी कि भगवान को वो कभी ये ना होना चाहिए, क्या मतलब उन्होंने वो जो चने खाए थे भगवान से छुप के, तो वो क्यों खाए थे कि अगर भगवान वो चने खाते तो वो जो चने पे एक्चुअली वो श्राप था कि जो वो चना खाएगा उस पे वो दरिद्री, मतलब उसका पूरा पूरा ये दरिद्र हो जाएगा, पूरे आ जन्म वो दरिद्री रहेगा, उसमें कुछ भी उसके पास नहीं रहेगा। तो ये भगवान पे ना होना चाहिए, कृष्ण पे ना होना चाहिए, इसके लिए सुदामा चुपके वो चने खा लेता है और खुद दरिद्री हो जाता है। तो ये भगवान को पता रहता है, और उसके लिए जब सुदामा जब उसको मिलने आते हैं तो भगवान अपना खाना खाते रहते हैं, वो सब छोड़ते अपने पाँव के जो स्लीपर है वो दौड़ दौड़ के जाके सुदामा को गले लगाते। तो यहाँ पे मतलब दिखाते हैं कि वो सुदामा भगवान के प्रति इतना प्यार रहता है, सुदामा का इतना प्यार रहता है भगवान के प्रति कि भगवान भी उसको उतने ही तरीके से प्यार करते हैं, उनके पाँव धोते हैं, उनके पाँव को पानी से धोके उनके जो काटे बीटे लगे थे वो निकालते रहते हैं, जब वो सोते हैं तो उनके पाँव दबाते रहते हैं, मतलब वो लेवल पे, मतलब जो दास का जो ये है, जो दास करता है भगवान, मतलब सुदामा जब भगवान का दास बन के जाता है तो भगवान खुद सुदामा का दास बन जाता है, इतने उतने लेवल पे यहाँ पे भगवान, तो मतलब एक किसी अपने भक्त को उतना प्यार भगवान करते हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज को प्रभुपाद ने इस परपट में हाईलाइट किया है कि जो अर्जुन जैसे भक्त है उनको भगवान पता चलते हैं, लेकिन जो डेमोनिक पर्सन से शिशुपाल हो, दंतवक्र हो, कंस है, उनको, और ये एथिस्टिक, मतलब जो अभी शिशुपाल वो तो मतलब वो भगवान का दुश्मन था, लेकिन एथिस्ट जो लोग है वो तो मतलब ये तो ये रहते हैं, मतलब अभक्त रहते हैं, उनको तो भगवान के ऊपर बिलीव ही नहीं करते, वो भगवान को भरोसा ही नहीं करते, और फिर वो तो उनको वो भगवान को जान नहीं सकते, फिर जानना भी ट्राई करेंगे तो फिर मेंटल स्पेक्यूलेशन में चले जाते जिससे कुछ फायदा नहीं होता, कि बिकॉज वहां पे क्या बोलते हैं कि ये प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर मेंटली अगर स्पेक्यूलेट करोगे आप भगवान के बारे में तो आप एक तरीके से अपराध करते हो, पाप करने का बोले, सीरियस सीन बोले, अघम पापम बोल सकते हैं हम लोग, सीरियस सीन है भगवान को अपने अंदाज से, अपने मर्जी से, अपने सोच से भगवान को समझने का ट्राई करेंगे तो यूजलेस है। मतलब हम लोग हर बार बोलते हैं कि अपनी अपनी जो बुद्धि है या अपना अपनी जो विचार करने की जो शक्ति है वो बहुत सीमित है, तो उस सीमित शक्ति से हम असीमित भगवान को कभी नहीं जान सकते। और यहाँ पे प्रभुपाद जी और भी कह रहे हैं कि मतलब जो भगवान को जानते नहीं है उन्होंने भगवद गीता के बारे में कभी उन्होंने स्टेटमेंट भी नहीं करना है कि भगवद गीता के बारे में कहना नहीं है। आज हम लोग एक्चुअली देखते हैं कि 800 आवृत्तियां है भगवान की, सॉरी प्रभु अपने भगवद गीता की, मोर देन 800, और वो 800 आवृत्ति जो है एडिशन हम लोग बोलेंगे जो पब्लिकेशन, तो इतने जो 800 एडिशन है भगवद गीता के, उसमें लोगों ने मतलब अपने मर्जी से भगवद गीता का संस्कृत को सिर्फ ट्रांसलेट किया है, और फिर सिर्फ ट्रांसलेट करके भी रुके नहीं है, तो उन्होंने अपनी अंदाज से अपनी बुद्धि से भगवान को समझने का ट्राई किया है,
और फिर भगवान को समझने के बाद उन्होंने भगवद गीता लिखी है। तो उस भगवद गीता लिखने में एक्चुअली कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी सोच से किया है। भगवान अर्जुन को क्या कहना चाहते हैं उसका उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। प्रभु लेना देना नहीं है मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से उसका मतलब सोच के रखा था, अपनी मर्जी से भगवदगीता को सिर्फ ट्रांसलेट किया है, संस्कृत को अपने भाषा में ट्रांसलेट करके उन्होंने ये लिखा, तो उसका कुछ एक्चुअली मीनिंग नहीं होता है। तो आगे फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जो भगवद गीता का जो है सायन जो है, तो मतलब प्रभुपाद वापिस यही कह रहे और आगे भी प्रभुपाद ये कह रहे कि जैसे कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और जैसे अर्जुन ने जाना वैसे ही हमको जानना चाहिए। तो यहाँ पे जो भागवतम का एक श्लोक को यहाँ पे प्रभुपद ने रिफर किया है, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वम् यत् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। तो हम लोग ने ये चीज को मतलब काफी टाइम से जाना है कि तीन प्रकार के भक्त है, तीन लेवल के रहते हैं। और जो तो जो पहला रहता है जो भगवान को निराकार समझता है और वो ब्रह्मवादी उसको बोल सकते हैं, और वो निराकारवादी जो बोल सकते हैं कि जो उसको भगवान पे बिलीव रहता है लेकिन वो भगवान को निराकार समझता है। और फिर वो ये भगवद गीता जो पढ़ता है और भगवद गीता में लिखे हुए श्लोक को वो अपने तरीके से उसको ट्रांसलेट करता है या समझता है, कि जिससे वो उनके लिए फिर वो फाइनल हो जाते कि भगवान निराकार ही है। फिर भगवान भी उनके लिए बोलते हैं कि ठीक है मैं निराकार हूं करके। तो ऐसे निराकारवादी के लिए भगवान निराकार में ही रहते। दूसरे जो है उससे थोड़े टॉप लेवल के, जो जिसको हम लोग योगी बोल सकते हैं, जो भगवान को अपने हृदय में परमात्मा के रूप में जानते हैं, तो ये लोग जो है वो योगी लोग रहते हैं और वो भगवान को जानते हैं परमात्मा करके, लेकिन उसके ऊपर वो उठते नहीं। और फाइनल जो है जिसको हम लोग भक्त बोलते हैं, जो भगवान को जानते हैं कि भगवान एक प्रॉपर पर्सन है, उसका प्रॉपर एक फॉर्म है, वो शाश्वत विग्रह है जिसको हम लोग मतलब शाश्वत है जिसको हम लोग देख सकते हैं, तो वो जो लोग हैं उनको टॉप मोस्ट भक्त करके हम लोग जानते हैं कि उसको टॉप मोस्ट करके भक्त करके प्रभुपाद ने भी वो कहा हुआ है। तो हम लोग जो है आज हम लोग जो गौड़िया वैष्णव परंपरा में जो है और फिर जो इस्कॉन को प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग जो है वो तो सिर्फ भगवान को पर्सनल लेवल पे ही भक्त मतलब मानते नहीं है, लेकिन हम लोग भगवान के जो पांच रस है उसमें से जो टॉप मोस्ट रस है उस रस को हम लोग फॉलो करने का ये कर रहे हैं। तो जो एक दास्य रस है उसके ऊपर साख्य रस है, उसके ऊपर शांत है, दास्य है, फिर साख्य है, उसके ऊपर वात्सल्य और उसके ऊपर माधुर्य रस। तो प्रभुपाद जी के हमारे जो टीचिंग्स है और हम लोग जिस तरीके से जो हम गुरु परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग माधुर्य रस की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो जो है तो वो टॉप मोस्ट रस है। और जैसे हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज जब कहते हैं कि माधुर्य रस है उसमें सभी रस आ जाते हैं, उसमें शांत रस भी आता है, दास्य भी आता है, साख्य भी आता है और वात्सल्य भी आता है। और तो माधुर्य तो रहता ही है, लेकिन उसके नीचे वाला जो वात्सल्य रस है उसमें नीचे की तैनात है, उसमें माधुर्य नहीं आते, और वात्सल्य के नीचे जो साख्य रस है उसमें शांत और दास्य आता है, साख्य आता है, लेकिन उसमें वात्सल्य नहीं आता है। तो हम लोग उसके लिए प्रभुपाद जी हम लोग को माधुर्य रस की तरफ हम लोग को लेके जा रहे हैं। मतलब ये टॉप मोस्ट रस है, टॉप मोस्ट भक्ति है जो गोपियों ने कृष्ण के साथ की है। जो हम लोग जानते हैं कि गोपी जो है, गोपी की जो भक्ति है वो टॉप मोस्ट भक्ति है, उनकी लेवल की भक्ति कोई नहीं कर सकता है, और वो माधुर्य रस की भक्ति है। तो हम लोग जो है प्रभुपाद जी हम लोग को माधुर्य रस की भक्ति के लिए तरफ हम लोग को लेके जा रहे हैं। तो पॉइंट ये कहने का है कि मतलब हम लोग इस्कॉन में प्रभुपाद जी के जब फॉलो करने लगे तो हम लोग को भगवान को तो पर्सन मानते ही है, एज अ पर्सन मानते ही है, उसको शाश्वत विग्रह मानते ही है, लेकिन उसके ऊपर हम लोग भगवान से माधुरी रस के लेवल पे प्यार करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो ये हमारी ये लेवल की। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इस पर्पट में वापिस और बोलते हैं कि ये जो जो मोक्ष मिले हुए जो लोग है, लिबरेटेड मैन, मतलब कॉमन मैन तो है ही, कर्मी तो है ही, उसके अलावा जिसने मोक्ष मिला है वो भी जो है ना, जिसने
इम्पर्सनल मतलब ब्रह्मा को जाना है, जो निराकारवादी ब्रह्मा को जानता है, भगवान को जो इफलजेंस है उसको जानता है, लेकिन मतलब और वो उसने परमात्मा को भी खुद के अंदर का जो अपना हृदय के अंदर का जो परमात्मा है उसको भी अगर जाना रहेगा, लेकिन वो भगवान को प्रॉपरली नहीं जान सकते। तो यहाँ पे मतलब प्रभुपाद जी का कहना ऐसा है कि यहाँ पे अर्जुन जो है वो ये कहने का ट्राई कर रहे हैं कि ये कि आपको कोई जानता नहीं है, और फिर उसके ऊपर भगवान कैसे, इसका ऊपर में जो प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिया है उसको हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे देखो यहाँ जो इंग्लिश में इसको जो एकदम बहुत बढ़िया तरीके से प्रभुपाद जी ने लिखा है उसको हम लोग पढ़ते हैं। येट मेनी लिबरेटेड पर्संस कैनॉट अंडरस्टैंड कृष्णा एज पुरुषोत्तमा द सुप्रीम पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रभुपाद ने ऊपर बोला कि जो लिबरेटेड पीपल है, जो मतलब मोक्ष जिनको मिला है, जो मुक्ति मिली है, ऐसे जो लोग है वो भी भगवान को जान नहीं सकते। तो आगे फिर प्रभुपाद जी ने ये जो जो श्लोक है, ओ सुप्रीम पर्सन ओरिजिन ऑफ ऑल लॉर्ड ऑफ ऑल बीइंग्स गॉड ऑफ गॉड्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उसको प्रभुपाद जी ने कितने बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज को प्रभुपाद ने यहाँ पे हाईलाइट किया है। क्लाइमैक्स को जो है, जो मैंने बोला था, उसको प्रभुपाद जी ने बहुत बढ़िया तरीके से हाईलाइट किया है। देयरफॉर अर्जुन एड्रेसेस हिम एज पुरुषोत्तम सुप्रीम। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं कि येट वन स्टिल मे नॉट अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज द फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, देयरफॉर अर्जुन एड्रेसेस हिम एज भूत भवन। तो मतलब सुप्रीम तो बोला है, फिर प्रभुपाद जी बोलते कि फिर भी अर्जुन को ऐसा लगा कि कोई कोई लोगों को वो पता नहीं चलेगा कि ये फादर ऑफ एंटिटीज है, मतलब लॉर्ड ऑफ ऑल। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि भूत भावन, तो भूत भावन मतलब जो इसके मतलब क्या है वो ओरिजिन ऑफ ऑल लिविंग बींग्स करके, ओरिजिन ऑफ ऑल। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि भूत भावन। वापिस बोलते हैं कि एंड इफ वन कम्स टू नो हिम एज फादर ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स स्टिल वन मे नॉट नो हिम एज द सुप्रीम कंट्रोलर। तो वहां पे आगे बोलते कि चलो किसी को अगर मान भी लिया, किसी ने उसको मान भी लिया कि ये फादर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, लेकिन वो सुप्रीम कंट्रोलर करके मान नहीं पाएंगे, मतलब उनको ये नहीं पता चलेगा सुप्रीम कंट्रोलर है उसके लिए मतलब लॉर्ड ऑफ ऑल बींग्स। तो मतलब वो सुप्रीम कंट्रोलर करके मानेंगे नहीं, उसके लिए भगवान ने अर्जुन ने उनको क्या बोला कि लॉर्ड ऑफ ऑल बींग्स करके, भूतेश लॉर्ड ऑफ ऑल बींग्स द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ एवरीवन, सॉरी, तो लॉर्ड ऑफ ऑल बींग्स मानेंगे नहीं उसके लिए भूतेश करके बोला, तो सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ एवरीवन। वापिस प्रभु बोलते कि ओके अभी अगर फिर भी किसी को वो सुप्रीम कंट्रोलर करके किसी ने माना तो भी उनको ये नहीं पता चलेगा कि ये डेमीगॉड्स के भी गॉड है, मतलब ये जो जो देवी देवता है उनके भी यही ओरिजिन है करके। उसके लिए फिर उन्होंने क्या किया, देव देवा करके बोला, मतलब क्या है जो जो डेमीगॉड्स है वो भी इस पर्टिकुलर भगवान को वर्शिप कर दे। ठीक है, फिर फाइनली बाद में बोलते हैं कि चलो अगर किसी ने उसको देवी देव 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 माना भी है तो भी शायद उनको ये नहीं पता चलेगा कि ये सुप्रीम प्रोप्राइटर है, मतलब टॉप मोस्ट है, ही इज द एवरीवन, मतलब ही इज द एवरीथिंग, उसके ऊपर देयर इज नो वन, ही इज द वन, ऐसा करके बोल सकते। तो सुप्रीम प्रोप्राइटर, देयरफॉर ही एड्रेसेस हिम एज द जगतपति। तो ये जो पर्टिकुलर श्लोक है, इस श्लोक को हम लोग मतलब देखते हैं कि अर्जुन ने भगवान की इतनी बढ़िया तरीके से एड्रेस किया भगवान को कि जब ये श्लोक कोई पढ़ेगा तो ये श्लोक पढ़ के उसको मतलब एक तुरंत भगवान के प्रति एक अलग तरीके से, मतलब उनका जो ना एक सोच अलग मतलब प्यार हो या फिर अलग उनके प्रति एक बोलते ना टोटल सरेंडर भावना जो भगवान के प्रति होती है वो हम लोग इसको देखते हैं। तो इसके लिए प्रभुपाद ने क्या बोला कि ये रियलाइजेशन ऑफ अर्जुन एंड वी शुड फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ अर्जुना टू अंडरस्टैंड कृष्णा एज ही इज। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ये पर्टिकुलर श्लोक और ये पर्टिकुलर लाइन जो प्रभुपाद ने यहाँ पे डाले कि वी शुड फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ अर्जुन, हम लोग को अर्जुन के जो पद चिन्ह है हमको उनको फॉलो करना है, तब हम भगवान को जैसा वो है वैसे जान सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद ने जो पूरी भगवद गीता है उस पूरी भगवद गीता में
एकदम स्टार्टिंग से, मतलब तीसरे अध्याय से जहां से कर्मयोग शुरू होता है उससे एंड तक, कर्मयोग हो, ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, हर 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 भगवद गीता के हर एक श्लोक, ऑलमोस्ट एवरी श्लोक में, नॉट एवरी श्लोक बट ऑलमोस्ट दो तीन श्लोक के बीच में भगवान प्रभुपाद जी कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्ड यूज करते हर बार। मतलब कर्मयोग में भी बोलते हैं कि कर्म से भी आप भगवान को जान सकते हो, ज्ञान से भी भगवान से जुड़ सकते हो, ध्यान से भगवान से जुड़ सकते हो, लेकिन प्रभुपाद हर बार घूम फिर के वापस कृष्णा कॉन्शियसनेस पे आते, कृष्णा कॉन्शियसनेस पे आते, क्योंकि वो जब आप वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब आओगे वहां पे मतलब उस भाव से भगवान को आप प्यार करोगे, तो वो भाव जो अर्जुन का भाव है उस भाव से अगर भगवान को प्यार करोगे तो हम भगवान को जान सकते हैं, नहीं तो भगवान को जानना कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग को अर्जुन के पद चिन्हों को फॉलो करना है। एक्चुअली अर्जुन का जो भगवान के प्रति जो प्यार है, अभी हम लोग आगे के जो श्लोक देखेंगे वो दोनों श्लोक जो है वो एक्चुअली अर्जुन के श्लोक के हो ही नहीं सकते। मतलब जो अर्जुन की बुद्धिमत्ता है, जो भगवान के प्रति जो उनका प्यार है और भगवान को वो जो जिस तरीके जान चुके हैं, उस वो जानने के बाद आगे के दो श्लोक अर्जुन के हो ही नहीं सकते। लेकिन प्रभुपद क्लियरली बोलते हैं कि श्लोक हमारे लिए है, हम जैसे लोगों के लिए, जो कर्मी लोग है या जो मतलब जो अभक्त है या फिर जो प्लान प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो भक्ति में आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब हम लोग जैसे लोग जो अभी हम लोग भक्ति में प्रभुपद के कहने पे हिसाब से हम लोग आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे थे, हम लोग के लिए वो श्लोक भगवान अर्जुन ने जो प्रश्न है वो कृष्ण को पूछा है। तो एक जस्ट एक मैं मतलब कहना चाहता था कि चैतन्य चरण प्रभु जी का एक मैं लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया पॉइंट कहा था कि अर्जुन का और जो भगवान का जो रिलेशन है वो रिलेशन मतलब किसी भी लेवल से ऐसा नहीं हो सकता कि ये जन्म का रिलेशन है, ये जन्म का ऐसा अभी है। जबकि अर्जुन को कृष्ण मिले कब थे, जब उनकी द्रौपदी से शादी हो गई थी और तब उनको पता नहीं था, मतलब अभी तक वो कुंती माता से मिले नहीं थी, जहां पे उनको कुंती माता ने बोलती है कि पांचों मतलब बांट लो करके उनको लगता है, तो फिर वो नहीं हुआ था। तब पहली बार कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और बलराम जो है वो इन पांडवों के घर पे आते, वो जब वो इसमें रहते वो अज्ञात में चले गए थे, मतलब इनको लगता था कि वो मर गए करके, लाक्षागृह से बचने के बाद वो घूम रहे थे, तभी कृष्ण और बलराम उनको मिलते हैं। तो उनको देखने के बाद पांडवों को जो आनंद और जो प्यार उनसे उभर आता है वो चैतन्य चरण प्रभु जी बोलते हैं कि वो मतलब वी कैनॉट एक्सप्लेन इन एनी वर्ड्स, वो इतना उनको प्यार आ जाता है। तो चैतन्य चरण प्रभु कहते हैं कि मतलब ये जो हम लोग देखते हैं कि ये जो अर्जुन का जो प्यार है वो पर्टिकुलर इस जन्म का हो ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कर्ण को जो दंबोदक नाम का कर्ण के बारे में का जो वो एक्सप्लेनेशन का उन्होंने उसको थोड़ा सा रेफर किया था कि कर्ण, आप शायद जानते रहेंगे कि कर्ण जो था वो दंबोदक नाम का एक राक्षस हुआ करता था जिसको सहस्त्र कवच बोला जाता था, उसके ऊपर 1000 कवच थे। तो जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते तो ब्रह्मा जी को बोलते मुझे अमर करो, तो ब्रह्मा बोलते नहीं वो तो मैं खुद नहीं, वो तो मैं तो नहीं बोल सकता हूँ। तो फिर वो वर इस तरह मांगता है कि ठीक है, अगर कोई मुझे, अगर मुझसे कोई योद्धा अगर युद्ध करेगा तो वो मेरे से, उसका युद्ध 1000 साल चलना चाहिए, और 1000 साल युद्ध करने से पहले उसने 1000 साल तपस्या की करनी हो चाहिए। तो 1000 साल वो तपस्या करेगा, उसके बाद 1000 साल युद्ध करेगा, और युद्ध करने के बाद अगर उसने मुझे मारा तो मेरा सिर्फ एक कवच गिरना चाहिए, उसके बाद वो खुद मरना चाहिए। तो ये टाइप का उसने भगवान ब्रह्मा जी को वर दिया था, और ब्रह्मा जी एज इज करके ततस्तु बोल के निकल आते। तो मतलब ये अगर हम लोग देखते हैं कि कोई बंदा 1000 साल तपस्या करेगा, उसके ऊपर 1000 साल उससे युद्ध करेगा, उसके बाद अगर उसने उसको मारा तो वो दंबोदक नहीं मरेगा, उसका सिर्फ एक कवच गिरेगा, लेकिन जो मारने वाला है वो मर जाएगा। तो मतलब उसने एज गुड एज जो मतलब डेमोनिक मेंटेलिटी के लगते हैं ना, वो इस तरीके से अपना दिमाग लगाते और लगते कि चलो अभी तो मैं अमर हो गया करके। तो उसने वैसे भी जो उसका वर था
वो अमर जैसे था, जैसे हिरण्यकश्यप जैसे बोलता है कि मुझे यहाँ ऊपर नहीं, नीचे नहीं, घर में नहीं, बाहर नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, मतलब उसको लगता है कि चलो मैंने इतने सब वर मांग लिए तो मैं अमर हो गया। लेकिन भगवान जो है वो भगवान है, वो किसी की बुद्धि के परे है, ही स्टिल डिड दैट। तो फिर वो क्या करते हैं यहाँ पे दम्बोदक को मारने के लिए, फिर नर और नारायण जो है, तो नर मतलब अर्जुन और नारायण मतलब कृष्ण, ये दोनों आ जाते हैं एक्चुअली। तो ये जो नर है ये अर्जुन है, और फिर वो दोनों एक दूसरे से मतलब एक बार एक युद्ध करेगा, दूसरा तपश्चर्या करेगा, फिर तपश्चर्या करने के बाद वो युद्ध में आएगा, तब तक ये युद्ध में मारा उसको मार दिया रहेगा, मतलब एक कवच गिराया रहेगा, और ये खुद मूर्छित हो गया रहेगा या मर गया रहेगा, मतलब इनमें तो क्या मुरना है। तो फिर ये जो जिसने तपश्चर्या की है वो अपने तप के बल से उसको जीवित करेगा, फिर ये तपश्चर्या करने जाएगा, फिर ये यहाँ से युद्ध करेगा। तो ये ऐसे टैंडम में चलते रहता है, और फाइनली जब 999 जब उसके कवच गिर जाते तब दम्बोदक को पता चलता कि नहीं अभी मैं मरने वाला हूँ, तो भाग के वीर सूरज के शरण में आ जाते हैं। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं कहने का तात्पर्य यह है, मेरा ये स्टोरी बताने का तात्पर्य यह है कि भगवान जो है उनका अर्जुन से जो रिश्ता है वो बहुत पहले से नर नारायण की जोड़ी में भी आए थे। तो वो इसके लिए अर्जुन जब भगवत मतलब अर्जुन जब कृष्ण के साथ जब उनका फिर जब मिलाप होता है और वे जब कृष्ण के साथ कंटिन्यूस रहते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो चलो यार 10-15 साल पहले ही मिले थे अभी दोस्ती हो गई, वो लेवल की नहीं, उनकी वो मतलब जो कई कई जन्मों से टाइप का उनका जो दोस्ती थी उसके लिए वो जो प्योर बोलते ना प्योर भक्त जैसे अर्जुन थे, तो उनको भगवान को जानना कोई डिफिकल्ट नहीं था। उसके लिए प्रभुपाद हम लोग को बोलते हैं कि हम लोग को अर्जुन का फुटस्टेप्स फॉलो करना चाहिए। अगर हम लोग अर्जुन के फुटस्टेप्स फॉलो करें तो ही हम कृष्ण को जान सकते हैं, नहीं तो कृष्ण को जानना कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। फिर हम लोग वही मेंटल स्पेकुलेशन में चले जाते हैं जैसे लोग करते हैं कि यार कृष्ण क्या है, उसको तो रासलीला की थी उसने, इतनी उसकी इतना पत्नियां थी, ये वो सब ऐसे उसी चीजों में हम लोग उलझते जाएंगे। वो उन लोग को ये नहीं पता चलेगा उसने करंगली में उसने अपना एक गोवर्धन उठाया था, उसने 10,000 करोड़ गोपियों में 10,000 करोड़ में खुद को उसने विभाजित किया था, एक्सपांड किया था। तो वो सब चीज उनको पता नहीं चलती क्योंकि वो लेवल पे उनका सोच जा ही नहीं सकता है। जब एक बार एक प्रभु जी का बीच में कोई एक लेक्चर चल रहा था, मतलब लेक्चर नहीं एक्चुअली कोई आर्य समाज के एक बंदे थे वो आए थे, और एक कोई ऐसे ही कोई कर्मी बंदा आया था, और अपने इस्कॉन के एक प्रभु जी गए थे वहां पे, वो डिस्कशन चल रहा था। तो ये आर्य जो वो वेद वेद पकड़ के जा रहे थे, जब अपने प्रभु जी बता रहे थे कि ये सब वेदों का जो है सार भगवत गीता में है, भागवतम में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो वो मानने को तैयार नहीं थे, बोलते नहीं वेद को कोई नहीं। तो वो ही लोग जब प्रभु जी बता रहे थे कि नरसिम्हा अवतार का जब उन्होंने जब बात निकाला, तो आर्य समाज के जो लोग है जो खुद को बहुत बड़े हिंदूवादी और हिंदुत्व समझते है, जो वेदों की बात करते, उन्होंने कंप्लीटली इस चीज को झुठलाया, बोलते ऐसा हो ही नहीं सकता, नरसिम्हा अवतार वगैरह ऐसा कुछ हो ही नहीं सकते है, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है वगैरह कोई भैया आता है मतलब। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो मतलब खुद को फिलोसोफर बताते हैं, खुद को वेदों का जानकार बताते हैं, वो खुद भगवान को नहीं जान सकते, जबकि भगवान खुद बोलते वेदेशत क्या वेदांत कृत वेद विदेवचाहम। तो यहाँ मतलब मैं वेदों का करता हूं और वेद पढ़ना मतलब मुझे जानना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो नहीं है, उन्होंने सिर्फ वेद पढ़ा है, उन्होंने वेद को जाना नहीं है। तो ऐसे लोग हैं जो भगवान पे बिलीव नहीं करते, या भगवान के जो लीला है उनको मानते नहीं, उनको राम पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हो या भगवान कृष्ण हो, वो उनको एक सिर्फ बड़े सुपर ह्यूमन लगते हैं। ये सुपर ह्यूमन समझने वाले जो लोग हैं वो फिर वो मतलब वो एथिस्ट माइंडसेट हो बोल सकते हैं उनको, कि वो उनको पता नहीं है कि मतलब भगवान क्या है चीज। तो उसके लिए हम लोग को अर्जुन के फुटस्टेप्स फॉलो करने चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, हम लोग 16 श्लोक को यहाँ पे जाते हैं। सॉरी मैं, मेरे को लगता है मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं। वक्तुम अर्हसि अशेषण दिव्या हि आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकम् भिर्लोकन् इमां स व्याप्यं तिष्ठसि। सॉरी,
इमां सत्वं व्याप्य तिष्ठसि। Translation by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Please tell me in detail of your divine opulence by which you pervade all these worlds. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं कि अब जो है ये भगवान को अर्जुन पूछ रहे हैं कि आपके जो ऑप्युलेंस है, आपकी जो शक्तियां है, जो दिव्य शक्ति है, उनके बारे में आप विस्तार से बताओ करके, ठीक है, जिससे आप पूरे जो दुनिया है उसमें आप व्याप्त हो करके। तो इन दिस वर्स इट अपीयर्स दैट अर्जुन इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड विद हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो जैसे हम लोग ने बोला था कि प्रभुपाद जी ने क्लियरली बोला था कि अर्जुन भगवान को पूरी तरह से जाना हुआ है, यहाँ पे वो सवाल जो पूछता है कि जो हमारे लिए पूछा हुआ है। तो और ये भी यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि भगवान की दया थी, कृष्णास ग्रेस, जिसके अर्जुन ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो, बुद्धि हो या ज्ञान हो और जो भी हो, जिससे कोई किसी को जान सकता है, उन सारी चीजों से उसने भगवान को जाना है। और भगवान को क्या जाना है, तो भगवान को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड करके जाना है। सी, भगवान को जानना अलग बात है। हम लोग बोलते हैं कि तो मैं भगवान को जानता हूँ, तो भगवान को जानना, हाँ मैं कृष्ण को जानता हूँ, तो क्या कृष्ण को जानता हूँ, तो हाँ वो बांसुरी बजाता था, उसने कंस को मारा था, उसने गोवर्धन उठाया था, उसने रासलीला की थी, तो मैं कृष्ण को जानता हूँ। तो ये कृष्ण को जानना नहीं है, ये कृष्ण के बारे में हल्का सा ज्ञान लेना है, मतलब कृष्ण की छोटी सी जो है ना, उसकी जो लीलाओं के जो बहुत सारी जो लीलाओं का एक हल्का सा कर्ण, उसकी जानकारी है, इतिहास समझने जैसी चीज है, वो भगवान को जानना नहीं है। तो भगवान को जानना कैसा, जैसे अर्जुन ने जाना कि वो सुप्रीम है, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, मतलब उसके आसपास भी कोई नहीं, उसके लेवल का भी कोई नहीं है। तो वो है जब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो ये कृष्ण ने अर्जुन को, कृष्ण को अर्जुन ने जाना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोले कि उस तरीके से कृष्ण को अर्जुन ने जाना है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड करके, और फॉर इन देयर इज नो डाउट। तो येट ही इज आस्किंग कृष्ण टू एक्सप्लेन हिज ऑल परवेडिंग नेचर। तो मतलब जो व्याप्त स्वरूप जो है उसको वो एक्सप्लेन करने के जा रहे हैं। तो बोलते हैं पीपल इन जनरल, जो मतलब ये जो इम्पर्सनलिस्ट है, जो निराकारवादी है, या फिर जो कर्मी लोग है, वो उनको क्या होता है, ये जो है ना, उनको ऐसे जब चीजें बताती है कि भगवान ने गोवर्धन को उठाया, या भगवान ने अपने आप को 10,000 करोड़ में विभाजित किया, या भगवान 16,108 पत्नियों के साथ हर एक महल में एक साथ रहते थे, तो ये चीज उन लोग बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान को भगवान करके जानते नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए अर्जुन पूछता है कि आप आपकी विभूति बताओ, मतलब आपका जो ऑप्युलेंस है, आपकी शक्तियां है, वो बताओ। आगे चल के भगवान 19वें श्लोक से भगवान बताना शुरू करते कि मैं क्या हूं करके। तो उसमें ये जो आगे वाले श्लोक में अर्जुन, उससे प्रभुपाद जी हाईलाइट कर रहे हैं कि ये जो लोग है, ये जो कर्मी लोग है, जो भगवान को भगवान करके नहीं जानते हैं, वो भगवान को एक सुपर ह्यूमन करके जानते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान की ये जो विशाल स्वरूप है, जो हम लोग देखते हैं कि विश्व रूप भगवान का, ऐसे चीजों में वो आकर्षित हो जाते हैं। फिर उनको लगता है अरे बाप रे क्या चीज है, ऐसा बड़ा, उसने इतना बड़ा बड़ा ये बनाया, पर्वत बनाया उसने, ये बड़ा तो पर्वत उठाया, ये कितना बड़ा रहेगा, मतलब उसका फिर उनको, मतलब ये चीज में इस तरीके से वो भगवान को जानना चाहते हैं कि ठीक है, मतलब कि ही इज सुपर ह्यूमन वो लेवल पे। तो उसके लिए अर्जुन उनसे पूछता है कि आप पूरे जो सृष्टि में व्याप्त हो, तो ये सृष्टि में आपकी आपकी जो शक्ति है उसको आप बताने का प्रयास करो। तो यहाँ पे ही इज ऑल परवेडिंग एस्पेक्ट थ्रू दी डिफरेंट एनर्जीज करके वो बोल रहे। तो आगे प्रभुपाद कहते वन शुड नो दैट दिस इज बीइंग आस्क्ड बाय अर्जुन ऑन बिहाफ ऑफ द कॉमन पीपल। ये सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ने पूछा है कर्मी लोगों के लिए, ठीक है। तो टेक्स्ट 17 में जाते कथम विद्याम अहम योगिस्त्वाम सदा परिचिंतयन केशु केशी केशु केशु च भावेशु चिंत्योसि भगवान मया।
कथम विद्याम अहम योगिस योगिंच स्त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान् मया। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। ओ कृष्णा, ओ सुप्रीम मिस्टिक, हाउ शाल आई कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ यू, हाउ शाल आई नो यू, इन वॉट वेरियस फॉर्म्स आर यू टू बी रिमेम्बर्ड, ओ सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉड हेड। तो यहाँ पे अभी भगवान को योगी करके, सुप्रीम मिस्टिक करके अर्जुन संबोधते हैं, तो क्योंकि वो योग माया जो है उनके वह मास्टर है, तो सुप्रीम मिस्टिक। तो बोलते हैं हाउ शैल आई कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ यू, मतलब आपको मैं हर बार कैसे स्मरण करूं, आप कंटिन्यूसली आपका मैं बोलते ना ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। तो वो बोलते हैं वो ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको जानू भी कैसे, हाउ शैल आई नो यू, और आपको कौन से फॉर्म में, कौन से आपके आकारों में हाँ मैं आपको याद कर सकता हूं। यहाँ पे वापिस अर्जुन ये सवाल वापिस पूछ रहे हम लोगों के लिए, अर्जुन को जरूरत नहीं ये सब, अर्जुन पूरी तरह से जानता है, लेकिन ये पूछ रहे हमारे लिए। तो यहाँ पे बोल रहे कि सुप्रीम पर्सनलिटी गॉड इट इज कवर्ड बाय हिज योग माया, ओनली सरेंडर्ड सोल्स एंड डिवोटी कैन सी हिम। ये तो हम लोग अभी भी जो जानते, जो भगवान को प्रति जिनका प्यार है, भगवान के प्रति जो सरेंडर्ड है, वो ही भगवान को देख सकते हैं। और वापिस यहाँ पे प्रभुपद ने बोला कि अर्जुन इज कन्विंस्ड कि उनका जो दोस्त है वो सुप्रीम है करके, लेकिन वापिस वो बोलते कि ये जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया भगवान को कंटिन्यूस याद रखने की कौन सी प्रक्रिया है, जो मतलब जिससे हम भगवान को कंटिन्यूस जान सकते हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो पर्पट है और ये पर्टिकुलर जो श्लोक है, इसके ऊपर मुझे चार संप्रदाय जो थे, मतलब अपने जो गौड़ीय वैष्णव के जो चार संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, बाद में ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, तो उनके जो चार मुख्य जो ये है, मध्वाचार्य है ब्रह्म संप्रदाय के, फिर रामानुजाचार्य है श्री संप्रदाय के, फिर बाद में श्रीधर स्वामी है रुद्र संप्रदाय के, तो उनकी इसके ऊपर का एक मुझे पर्पट मिला था। हर एक ने इस पर्टिकुलर जो श्लोक है केशु केशु, ये जो भावेशु करके, ये जो प्रभुपाद इस पर्टिकुलर श्लोक को बहुत स्पेसिफिकली पर्पट में उसको लेते हैं, तो उसको भी मेरे को मिला था। तो मैं उस टीका को भी मैं पढ़ता हूँ, उसके उनके उन्होंने इसके ऊपर जो भाष्य किया है उसको भी पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग वापिस इस पर्पट पे आते कि ये जो भगवान है ही इज गार्डेड बाय हिज योग माया एनर्जी। तो यहाँ पे वापिस प्रभुपाद हाईलाइट करते कि ये जो सुपीरियर जो डिवोटी रहते हैं, जो भक्त रहते हैं, वो सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचते, तो वो जो पूरी मनुष्य जो योनि है उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इसके लिए मतलब अर्जुन जो है वो भगवान से ये सवाल कर रहे हैं कि आप तो मतलब योगी हो, सुप्रीम योगी हो, आप तो योग माया के मतलब मास्टर हो, आपने खुद को योग माया से ढक लिया है। ठीक है, तो आप जो कर्मी लोग है या फिर जो कॉमन मैन है, जो सामान्य लोग है जो भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो उनके वो आपको कैसे जान सकते हैं। ठीक है, आपको वो जान कैसे सकते हैं और आपको वो कंटिन्यूस याद कैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज बोलते हैं ना, यहाँ पे बोलते हैं द वर्ड्स केशु केशु च भावेशु रिफर टू द मटेरियल नेचर, द वर्ड भाव मीन्स फिजिकल थिंग्स। ठीक है, तो बिकॉज मटेरियलिस्ट कैनॉट अंडरस्टैंड कृष्णा स्पिरिचुअली, दे आर एडवाइज टू कॉन्सेंट्रेट द माइंड ऑन फिजिकल थिंग्स एंड ट्राई टू सी हाउ कृष्णा इज मैनिफेस्टेड बाई हिज फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे मैंने प्रीवियस श्लोक में बोला था कि भगवान को एटलीस्ट जो हमारे आंखों के सामने है उसको देख के हम लोग भगवान को जान सकते हैं, ये लेवल का मतलब ये जो सोच है, मतलब या फिर इस तरीके का जो ज्ञान अर्जुन पाना चाहते हैं, कृष्ण को बोलते कि वो दे दो, जैसे कृष्ण आगे चलते कि पानी में मैं हूं करके, तो ये
जब कोई आदमी पानी पिएगा तो उसका चलेगा कि पानी का जो टेस्ट है वो भगवान कृष्ण है। तो इस तरीके से जो हमारी डे टू डे जो हमारे सामने जो चीजें आती रहती है, डे टू डे जिस चीजों को हम लोग देखते हैं, जिसका हम लोग वापर करते हैं, वो चीजों को देख के हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान को याद रख सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर तो उसके वजह से कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर कृष्णा, कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ यू, ये सवाल जो था मतलब। तो भगवान चराचर में है, हम लोग बोलते हैं एवरी एटम कृष्णा इज देयर, क्यों हम लोग तो जानते हैं मतलब लिविंग बींग्स में तो परमात्मा के हिसाब से है, परमात्मा के रूप में है। तो लेकिन जो नॉन लिविंग आइटम्स है उसमें भी परमात्मा है, जिसके वजह से वो फॉर्म को पकड़ के रखते हैं, मतलब लोहा जो है लोहे के आकार में रहता है, फॉर्म में रहता है बिकॉज ऑफ दैट परमात्मा। तो भगवान चराचर में है लेकिन दिखेंगे नहीं, तो दिखेंगे नहीं तो कोई जानेगा नहीं, याद नहीं रहेगा। तो उसके लिए अर्जुन पूछ रहा है कि ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो मैं अगर देखूंगा तो मुझे आपकी याद आएगी। तो ये सवाल अर्जुन पूछ रहे भगवान को, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली इस पर्टिकुलर श्लोक के बारे में मतलब थोड़ा सा बताएंगे तो वापिस वही स्मर्तव्य सतत विष्णु, ये जो हम लोग को याद रखना है कि भगवान को कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर कृष्णा, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ये स्मर्तव्य सततम विष्णु वो जी जो श्लोक है उसके बारे में मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम लोग जब भी कोई सेवा करते हैं तो एक तो बोल रहे प्रभुपाद जी ने बोला कि हम लोग को चैंटिंग करना चाहिए 16 माला कंपलसरी। फिर उन्होंने बोला कि आप जो सेवा करते हैं तो सेवा करते समय आप जो बोलते हैं पुस्तक वितरण में जाओगे या फिर आप जाओगे किसी को मेंबर बनाने के लिए, इसके लिए लाइफ मेंबर बनाने के लिए, या फिर आप सेवा करोगे भगवान किचन में। तो ये जो बोलते हैं कि ये जो क्रिया है या ये जो हम लोग कार्य करते हैं वो कार्य जो है वो सिंपल कार्य नहीं है, वो किसी भी एंगल से प्रभुपाद कहते हैं वो छोटे कार्य नहीं है, बहुत बड़े कार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। क्योंकि आप जब पुस्तक वितरण करते हो तो आप कंटिन्यूअसली भगवान को याद रखते हो कि मैं कृष्ण की पुस्तक दे रहा हूं, मैं भगवत गीता दे रहा हूँ किसी को, भागवतम दे रहा हूँ, मैं कृष्ण बुक दे रहा हूँ किसी को, तो आप कंटिन्यूअस वो कृष्ण का आपको स्मरण रहता है। तो वैसे ही आप अगर किसी को लाइफ मेंबर बनाने जाओगे या किसी को मेंबर बनाने जाओगे, किसी को ये क्या बोलते लक्ष्मी जमा करने के लिए जाओगे, तो आप उनसे जब बात करते हो कृष्ण के बारे में बात करते हो तो आप कंटिन्यूअसली कृष्ण के टच में हो। या घर में अगर भगवान के लिए आप प्रसाद बनाते हो तो प्रसाद बनाते समय आप भगवान के लिए बनाते हो, ये मन में भाव रहता है तो भगवान को याद रखते हो। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो है स्मर्तव्य सततम विष्णु, तो ये हम लोग जो कार्य करते हैं डेली जो मंदिर में हो, तो ये हमारा जो स्मर्तव्य सतत विष्णु है ही हमारे लिए जो इस्कॉन को फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली। लेकिन ये जो अर्जुन ने जो सवाल पूछा था वो कॉमन मैन के लिए, तो यहाँ पे मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती जो ठाकुर जी उनका एक कॉमेंट्री है, हाँ जो बाद में फिर रामानुजाचार्य जो है उनका कॉमेंट्री इस पर्टिकुलर श्लोक के ऊपर, फिर श्रीधर स्वामी जी है उनका कॉमेंट्री है, फिर और केशव काश्मीरी जो है जो कुमार संप्रदाय से उनका कॉमेंट्री है। मैं थोड़ा ये कॉमेंट्री को थोड़ा पढ़ता हूँ और ये कितना मतलब बढ़िया तरीके से ये पर्टिकुलर श्लोक का जो केशु केशु च भावेशु को इन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो मैं ये एक्सप्लेनेशन करके मैं फिर अपना वाणी को मैं विराम देता हूँ, सॉरी मेरे को शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। तो ओ लॉर्ड, यहाँ पे हम लोग देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कहते हैं वो, ओ लॉर्ड वन हु पजेस द योग माया शक्ति दैट योगिन, दिस इज सिमिलर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वनमाली, मतलब जो गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं, तो हाउ कैन आई थिंकिंग ऑफ यू नो यू हाँ विद्यम एट ऑल टाइम्स, ऑफकोर्स यू से भक्तिया मम अभिजानाती यवन यस चश्मी तत्वता। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते कि मैं आपको कैसे जानूंगा, हर बार मैं आपको याद कैसे रखूंगा, जबकि आप खुद चलते भक्तिया मम अभिजानाती, तो ओनली भक्ति कैन बी ओनली बाय भक्ति कैन आई बी नोन, ठीक है इनकम्प्लीट, मतलब जो मैं हूं एज इज तभी आप जान सकते हो। तो लेकिन आगे बोलते कि बट इन विच ऑब्जेक्ट्स भावेशु, मतलब ये जो मटेरियल थिंग्स है हाँ, हाउ कैन आई थिंक ऑफ यू, दिस मीन्स हाउ कैन आई परफॉर्म भक्ति बाय थिंकिंग ऑफ यू इन वेरियस ऑब्जेक्ट्स।
जो भी जो इस मटेरियल चीजों को देख के मैं आपको कैसे जान सकता हूँ, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का इसके ऊपर ये पर्टिकुलर कमेंट्री है। फिर हम लोग रामानुजाचार्य का कमेंट्री देखते हैं, तो बोलते योर डिवोटी योगी जो है नेमली वन एंगेज इन भक्ति योगा आर कॉन्स्टेंटली मेडिटेटिंग ऑन यू विथ डिवोशन, हाँ नेमली एम्बार्ड ऑन मेडिटेशन ऑन यू, मतलब वो सिर्फ आपकी जो जो योगी है जो सिर्फ भक्ति योगा में तल्लीन है, जो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपके बारे में उनका जो बोलते हैं ना ये मेडिटेशन ही चलते रहते, वो आपके बारे में कंटिन्यू सोचते रहते। हाउ एम आई टू नो द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन एज पजेसिंग अ मल्टीट्यूड ऑफ सस्पिशियस एट्रीब्यूट्स लाइक सोवेनिटी एटसेट्रा, तो बोलते हैं कि ये जो लोग है जो बाकी के जो लोग है हाँ वो आपका जो टॉप मोस्ट लेवल है उसके बारे में उनको इतनी गारंटी नहीं है, वो थोड़े से सस्पिशन में उस चीज को देखते हैं। एंड इन व्हाट वेरिड मोड्स ऑफ मेंटल डिस्पोजिशंस व्हिच आर येट अनटोल्ड एंड व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम द इंटेलिजेंस नॉलेज एटसेट्रा डिस्क्राइब अर्लियर आर यू द कंट्रोल ऑफ टू बी मेडिटेट अपॉन बाय मी। तो यहाँ पे रामानुजाचार्य बोले कि मैं आपको किस तरीके से किस भाषा में आपको मैं मतलब सॉरी किस लेवल में आपको मैं सोच सकता हूं, तो इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं कि शुभ गुणों के भीड़ जैसे और मानसिक स्वभाव के किन विविध तरीकों से अभी तक जो अनकहे है, मतलब जिनका अभी तक बातचीत नहीं हुआ है, जो पहले वर्णित बुद्धि ज्ञान आदि से अलग है, ऐसे जो चीजों के प्रति मतलब आप तो उसका नियंत्रक है, आप सभी के नियंत्रक है, तो मैं उनके पर ध्यान कैसे लगाऊं, ये इनका जो रामानुजाचार्य का इनका ये था। आगे फिर श्रीधर स्वामी जो कहते हैं कि एक्सप्रेसिंग द नीड ऑफ फॉर लॉर्ड कृष्णा टू डेफिनेटिवली रिवील प्रिसाइजली हाउ ही शुड बी मेडिटेटेड अपॉन ही इज हम्बली बिसीच्ड इन दिस वर्ज एंड द नेक्स्ट, तो मतलब यहाँ पे श्रीधर स्वामी जी कह रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान से पूछा है एग्जैक्टली आप अपने तरीके रिवील कैसे करोगे सामने, ठीक है। तो ऑल्दो द सुप्रीम लॉर्ड कैन बी मेडिटेटेड अपॉन बाय फोकसिंग ऑन हिज डिफरेंट पोटेंसीज क्वालिटीज एंड ग्लोरीज, मतलब भगवान के प्रति अगर ध्यान लगाओगे तो मतलब उनके उनके लीलाओं का विचार करके, उनके क्वालिटीज का विचार करके, तो उनसे आप भगवान के प्रति, लेकिन अर्जुन अर्जुन का जो कंसर्न है, श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं कि अर्जुन कंसर्न इज वॉट was the best way for him to contemplate the Supreme Lord, ठीक है, भगवान को सोचने के लिए कैसे, in which way specifically should he always think of Lord Krishna throughout his life of in order that he would not he most assuredly attain him। तो यहाँ पे श्रीधर स्वामी भी कह रहे हैं कि अर्जुन ये सवाल इसके लिए पूछ रहे हैं ताकि जो लोग जो भौतिक जो लोग हैं वो भगवान को अलग अलग चीजों में भी भगवान के प्रति ध्यान करते रहेंगे, भगवान को जानेंगे, जानने का मतलब चीजों को देख के भगवान को, सॉरी तो भगवान को जानने का प्रयास करेंगे अलग अलग चीजों को देख के। तो ये मैंने यहाँ पे एक चीजों को मतलब थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने मतलब ये मुझे सर्च करते करते मिला था, तो मैंने फिर आपके सामने लाने का प्रयास किया था। तो बेसिकली हम लोग को मतलब यही है, हम लोग जो इस पर्टिकुलर तीन श्लोकों से जो प्रभुपाद जी ने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है वो हम लोग को ध्यान में रखना है, उसको कंटिन्यूसली हम लोग को मन में फोकस करना है कि हम लोग को अर्जुन के फुटस्टेप्स फॉलो करना है, हम लोग ने कृष्ण को जैसे अर्जुन ने जाना है और कृष्ण ने जो भगवद्गीता अर्जुन को जिस भाव से कही है, जो ज्ञान अर्जुन को भगवान ने जो दिया है, वो भाव वो ज्ञान हमारे पास आना चाहिए, उसी ध्यान में ही हम लोग भगवान को समझना चाहिए, उसी भाव में भगवान को समझना चाहिए, नहीं तो हम लोग एक्चुअली अपना रास्ता खो जाएंगे और हम लोग गलत एंगल में चले जाएंगे। तो हम लोग को वो ये है कि हम लोग को कृष्ण के फुटस्टेप्स फॉलो करना है, और कृष्ण के फुटस्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं वो प्रभुपाद जी ने हम लोग को बताया है। हम लोग को प्रभुपाद जी का अगर बुक्स पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी का भगवद्गीता, फिर सिर्फ प्रभुपाद जी का भगवद्गीता, सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद जी का भगवद्गीता अगर पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ेंगे, तो हम लोग अर्जुन के
ने जो कृष्ण को जानने जाना है उस एटलीस्ट पाथ को हम लोग पकड़ेंगे, उस पाथ से हम लोग डाइवर्ट नहीं होंगे। तो ये इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर कुछ मुझसे गलती हो गई रहेगी, कुछ त्रुटि हो गई रहेगी, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। किसी का प्रतिभा माता जी या प्रतिभा माता जी का कुछ क्वेश्चन है? यू कैन टेक दैट। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे ये है कि आपने 5 रोज जो बताए, वो माधुर रोज, प्रेम रोज, दास्य रोज, और 2 कौन से रोज है, और दूसरा एक संप्रदाय के बारे में आपने पूछा और बताया, वो ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, और 2 कौन से है वो पता नहीं चला। ओके, हरे कृष्णा माता जी। माता जी, हाँ, रस के बारे में बताया, तो सबसे टोटल 5 रस है जिनका वर्णन किया गया है। तो सबसे जो लोएस्ट रस है या 5वां रस जो बोल सकते हैं, वो है शांत रस। तो शांत रस मतलब जो पेड़ वगैरह जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनको शांत रस बोला जाता है। उसके ऊपर है दास्य रस, जो भगवान की सेवा दास भावना में जो किया रहता है, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हनुमान जी, जो राम के दास के लेवल पे थे, तो वो दास्य रस है। उसके ऊपर है साख्य रस, जो भगवान के सखा मतलब भगवान के दोस्त लोग, जैसे सुदामा हो, अर्जुन हो, युधिष्ठिर हो, वैसे साख्य रस। फिर उसके ऊपर है वात्सल्य रस, जो माता का जो दर्जा देते हैं। तो वात्सल्य रस में हम लोग देखते हैं कि नंद महाराज थे या फिर यशोदा माता थी। और उसके ऊपर जो है टॉप मोस्ट जो है माधुर्य रस, तो माधुर्य रस में हम लोग देखते हैं राधा रानी है और सब गोपी आए हैं, वो जो राधा वो माधुर्य रस में आते हैं। तो ये 5 रस है। और जो आपने संप्रदाय के बारे में कहा है, तो 4 संप्रदाय जो है जिनको ऑथेंटिक बोला जाता है, मतलब ये 4 संप्रदाय है, ये वो संप्रदाय का अगर आपको फॉलो करेंगे तो आप प्रॉपरली कृष्णा ने जो नॉलेज ट्रांसफर किया है उस नॉलेज को हासिल करोगे। अगर उसके अलावा आप कहीं और जाओगे तो पॉसिबिलिटी है आप फंस सकते हो या गिर सकते हो या गलत रास्ते पे जा सकते हो। तो ब्रह्म संप्रदाय जो हमारा संप्रदाय है, जिसके मध्वाचार्य ये है, जो बोलते ब्रह्म मध्व संप्रदाय, इन्होंने मध्वाचार्य ने जो ब्रह्म संप्रदाय शुरू किया। उसके बाद आता है श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय मतलब कृष्ण ने जो है लक्ष्मी को ज्ञान दिया था, और फिर वो लक्ष्मी को जो ज्ञान दिया था, फिर वो रामानुजाचार्य के थ्रू होके एक मिनट, हाँ सॉरी, तो रामानुजाचार्य के थ्रू होके वहां से वो हमारे तरफ, वो मतलब नीचे ज्ञान आ गया, वो श्री संप्रदाय। उसके बाद में है रुद्र संप्रदाय। रुद्र मतलब शंकर जो है, शिव जी जो है, तो शिव जी को भी कृष्ण ने नॉलेज दिया था, वो ज्ञान जो है वो नीचे उतरते, फिर उनका उनके जो है वो श्रीधर स्वामी जो है जिन्होंने शुरुआत की है। और फिर जो है कुमार संप्रदाय। तो कुमार संप्रदाय जो है मतलब जो 4 कुमार थे, वो जो 4 कुमार है, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 जो कुमार है, तो ये कुमार जो है उनको कृष्ण ने नॉलेज दिया, तो ये कहां से कुमार संप्रदाय शुरू हुए। ये 4 संप्रदाय जो ऑथेंटिक बोले जाते, जो प्योर है, बोनाफाइड है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा विवेचन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नतमस्तक हूँ आपके चरण। ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभु और माता जी, सब प्रभुपाद जी की कृपा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। या हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है या डाउट है या कोई कमेंट है तो ले सकते हैं। ओके, नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं प्रभुपाद लीलामृता भगवद गीता यथारूप की जाय। श्री प्रभुपाद की जाय। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा।